स्टूडेंट इंग्लिश लैंग्वेज एंड प्रोफिशिएंसी जो आपकी इंग्लिश क्लासेस गेस्टी सीखी ऑनलाइन क्लासेस में आपका सभी का स्वागत है। जो आपका पेपर है वो है इंग्लिश लैंग्वेज एंड प्रोफिशिएंसी यूनिट आपकी फोर्थ चल रही है, थर्ड यूनिट चल रही है जिसका नाम है आपका स्ट्रेटेजिस फॉर टीचिंग एंड इट्स स्किल। और हम जो पढ़े थे राइटिंग के बारे में पढ़े थे, तो जो राइटिंग के बारे में पढ़ा था तो उसमें बताया गया था आपको कि राइटिंग में क्या क्या चीज़ें आती। पहले तो आपको बताया था पिक्चर कंपोजिशन बताया था, एक तो पिक्चर कंपोजिशन होता है, उसके बाद में आपका नरेशन और डिस्क्रिप्शन होता है। नरेशन पिक्चर कंपोजिशन में तो आपका तो पिक्चर के माध्यम से मैंने आपको बता दिया था कि पिक्चर के माध्यम पिक्चर्स बने हुए आपको दिए जाते हैं, उसके बाद में आपको वो लिखना होता है, राइटिंग करनी होती है। और दूसरा मैंने आपको बताया था नरेशन एंड डिस्क्रिप्शन यानी किसी चीज़ को कैसे नरेट करना है, उसके बाद में जो है आपका वो एलिमेंट्स ऑफ राइटिंग आ जाते हैं स्पीच में। फिर राइटिंग के बाद में दूसरा जो आता आपका डिस्क्रिप्शन, पहला तो था आपका राइटिंग पिक्चर कंपोजिशन के कंपोजिशन कितने प्रकार के हैं, उसमें दूसरा आपका है नरेशन और डिस्क्रिप्शन कंपोजिशन। नेक्स्ट जो है आपका वो आता है पोएम या राइम्स। तो पिक्चर कंपोजिशन में मैंने आपको बताया था कि इस तरह से पिक्चर्स बने हुए होते हैं, ब्लॉक्स में आके इस तरह के पिक्चर्स होते हैं, उस पिक्चर्स को देख के आपको स्टोरी राइटिंग करनी है या जो भी आप लिख रहे हैं वो आपको लिखना होता है। ये राइटिंग के आपके प्रकार मतलब कौन कौन से प्रकार होते हैं, कौन कौन से कंपोजिशन आपके आते हैं उस प्रकार के प्रकार होते हैं। और दूसरा क्या है आपका नरेशन या डिस्क्रिप्शन यानी किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना। जैसे आपने मान लीजिए कोई प्लेस ले ली, आपने ताजमहल ले लिया, फिर ताजमहल में जितनी सारी चीज़ें सबको आपने उसका डिस्क्रिप्शन दिया यानी कि यहाँ पर ऐसी चीज़ें सफ़ेद कलर का ये, यहाँ पर ये स्तंभ लगे हुए हैं, यहाँ पर नदी है, यहाँ पर फूल है, उसका पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करना, वो आपका डिस्क्रिप्शन कंपोजिशन कहलाता है। राइम जो है ये आपका राइटिंग फॉर्म जिसके अंदर रहता है आपका राइटिंग अ पोएम, पोएम लिखना। तो आपके एग्जाम में भी आता है कि आपको फोर पोएम लिखनी है या थ्री पोएम लिखनी, तो पहले आपके फर्स्ट ईयर में भी आप पढ़ चुके हो, सेकेंड ईयर में भी आपके यही, तो इसके अंदर तो क्या है आपको पोएम लिखनी है यानी कि कोई भी दो पोएम आपको लिखने के लिए दे दी जाए तो आपको पोएम लिखनी है। उसके बाद में जो फिफ्थ नंबर पे जो आपका आता है फोर्थ आपका जो नंबर आता है वो आता है चार्ट। चार्ट के माध्यम से भी हम कंपोजिशन करा सकते हैं यानी राइटिंग कर सकते हैं। कैसे कि जो चार्ट्स जो होते हैं हैंड टीचिंग एड होता है, ये हमारा हैंड टीचिंग एड है, द टीचर कैन प्रॉपर इसका हम जो टीचर से उसका प्रॉपर यूज़ हम किस प्रकार से कर सकते हैं कि डिफरेंट स्ट्रक्चर बना के या ड्रिलिंग कराकर इसको हम उपयोग में ले सकते हैं। अब जो इसका पर्पस है, जो चार्ट हम बनाते हैं चार्ट का जो पर्पस है, क्या क्या पर्पस हो सकते हैं इसके, तो पहला जो पर्पस है इसका मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, पर्पस जो है आपके इसके चार्ट के, तो पहला पर्पस इससे क्या हो जाता है कंप्लीट मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। इसके माध्यम से आप डिफिकल्ट, इसका उद्देश्य यही है कि जो डिफिकल्ट मीनिंग्स जो आ रहे हैं उसको हम क्लियर करा सकते हैं चार्ट के माध्यम से। दूसरा है टीचिंग पैराग्राफ कंपोजिशन, टीचिंग पैराग्राफ कंपोजिशन, यानी चार्ट बनाकर मान लीजिए आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो आपने ये चार्ट बनाया, ठीक है, इसको आपने चार पार्ट में डिवाइड किया, पहला कंपोजिशन पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, तीसरा पार्ट ये और चौथा पार्ट ये। और जब आप कंपोजिशन पढ़ा रहे हो तो कंपोजिशन में यहाँ पर आपको इसको सभी को कवर करना पड़ेगा। जब चार के माध्यम से कोई चीज़ पढ़ा रहे हो, फोर्थ पार्ट में पढ़ा रहे हो, फोर्थ पार्ट में पढ़ाना भी चाहिए, एक ही तरह की चीज़ पढ़ाएंगे तो बच्चे बोरियत हो जाएंगे। तो जब आप पहले पार्ट पढ़ा रहे हो तो इसमें इसको
सारे कवर करने चाहिए। अब मान लीजिए पहला कंपोजिशन हमारा कंप्लीट हो गया तो उसको कवर करना है, फिर दूसरा खोलना है, फिर दूसरा कंप्लीट हो जाए तो तीसरा, फिर चौथा, यानी चारों को चारों पिक्चर्स हमें एक साथ चार्ट पे नहीं प्रदर्शित करने हैं, पर्दे टाइप के वाले उसको कवर कर दो ताकि एक पार्ट भी हमें पहले दिखाना है, फिर बाद में उसके बाद हम धीरे धीरे दिखा सकते हैं, जिससे कि जो कंपोजिशन पढ़ाना है वो ईजिली हो जाएगा। इन कंडक्टिंग ब्रीदिंग सॉरी कंडक्टिंग प्रोनंसिएशन ब्रीदिंग ब्रीदिंग का मतलब होता है जैसे आप बच्चों को कराते हैं ना, आपने यहाँ पर लिखवा दिया ए डबल पी एल ई एपल, तो ये मतलब बारह मौसम से बुलवाना है आपका ड्रिलिंग कराता है। जैसे आपने छोटी क्लास में देखा होगा हम बुलवाते ए डबल पी एल ई एप्पल, एम एन जी ओ मैंगो, बी एन ए बनाना, तो इससे क्या होता है कि स्पेलिंग भी कवर हो जाती है, साथ ही साथ जो प्रोनंसिएशन है वो भी वहाँ पर क्लियर होता है क्योंकि हम उनका ओरल ड्रिल वहाँ पर कराते हैं। तो प्रोनंसिएशन इससे कंडक्ट कराना है हमें तो चार्ट हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी रहता है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है इन डेवलपिंग स्टोरी, इन डेवलपिंग स्टोरी चार्ट के माध्यम से जो स्टोरी है हम उसको डेवलप कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि यहाँ पर हमने चार्ट बना दिया और उसमें सिर्फ हमने यहाँ पर फोर पार्ट में डिवाइड किया, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट, और उसमें भी क्या किया गया यहाँ पर पिक्चर्स बनाए गए, पिक्चर्स के माध्यम से स्टोरी को हमने डेवलप किया। तो चार्ट जो है ये स्टोरी डेवलप में भी उपयोगी है। तो ये जो थे चार्ट के पर्पज थे, चार्ट के पर्पज क्या है, मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड से क्लियर हो जाते हैं। पैराग्राफ की अगर कंपोजिशन टीचिंग कराना तो उसके लिए उपयोगी, अगर मैं प्रोनंसिएशन क्लियर कराना तो उसके लिए भी उपयोगी, और स्टोरी डेवलपिंग के लिए भी ये उपयोगी है। तो आज के लिए इतना ही, यदि आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो यू कैन आस्क मी वाया व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू सो मच।